अस्सलाम वालेकुम। लसबेला गजेटर मूजिब शाह नूरानी सिंध का लाहौत वे वादी में आयो ए कुछ साल रो। बाद में उन हंध मुंतकिल थो जिते रवायत मूजिब हिंसर संदस मज़ार है। यो बाग इन अगो गोकर नाले एक हिंदू की मिल्कियत हो। लसबेलो गजेटर बुधा तो ये माग हिंदुन ए मुसलमान लाइ एक ही वक्त तकदस रखे तो हिंदू इन हंध पैंजन बार झंड लाहण वाली रस्म अदा कंदा ए सगा बजंदा अड़ी रस्म हिंगोर नदी के आसा पूरा वट भी अदा कई वी है। शाह बिलावल बाबत लसबेला गजेटर के शादी के आधार से चई सकजे तो यो समन की हुकुमरानी जो दौर हो। सलमान रशीद संदस मजमून में उनके सन 1494 ईस्वी में जाम निज़ामुद्दीन जो ज़मानो लिखो है। धेरूमल मेहरचंद अलवाणी संदस किताब कदीम सिंध के एक हाशिए में लिखो है त शाह नूरानी के आम तौर पब जो पहलवान सजो वो। एक बी रवायत मूजिब शाह नूरानी ईरान ए मकरान का लाहौत में दाखिल थो। ते वक्त लाहौत में का भी आबादी न हुई। एक देव जो नालो कोकल हो एक परिये ते आशिक थी वो उनके कश्मीर के वादियों में खड़ी अची लाहौत वाले वादी में रहने लगो। वादी के आबाद करने लाइन इन मिट्टी जा चक खी अची वादी के भरण शुरू कर जैसे वादी आबादी लायक थी तद देव उत एक खूह खोटो ए वण पोखण शुरू कई। कुछ वक्त में ये वादी आबादी लायक थी वही। सागी रवायत मूजिब जैसे शाह नूरानी इत आयो तो इन लाहौत वाली गार में रिहायश इख्तियार कई। साणस गड बारह खादम हुआ। इन बिन मान के खीर वठण लाइ मोकिल इन्होंने एक धनार का खीर की घुर कई जै खीर दियण का इनकार कयो। खादमन अड़ी हकीकत शाह नूरानी के बुधाई तन दुआ घुरी जै कर जबल में खीर वहन लगो ए धनार जो सबेर डू बीमार थी मरण लग्य। धनार अची माफी घुरी ए रोजानू खीर पहुँचाई रो। अज भी आम मानून जो वेसाव है तो जबल में यो खीर शाह नूरानी की वफात का पोए वह रो। पर जैसे मानून उनके विकरण शुरू कर तो यो पानी में तब्दील थी वो जो अना तई जबल में टिमे तो। सागी रवायत मूजिब शाह नूरानी जो शिजरो हज़रत अली करमला वजू से मिले तो। संदन विसार 7 रमज़ान से थो जै नस्बत से हर साल 7, 8, 9 रमज़ान से शाह नूरानी जो मेलो लगन है। पर विकीपीडिया मूजिब सैद बिलावल शाह नूरानी वली अला थी गुजरियो है। नूरानी बाबा अल महरूफ सैद बिलावल शाह नूरानी कदें किथे पैदा थिया। बलोचिस्तान के इन इलाके में कदें किथा हिजरत कर अची सकुन इख्तियार कयाऊँ उन बारे में मुस्तंद तारीख खामोश है। अलबत् कुछ मौकन जाना है तो बलोचिस्तान के जिले लसबेले के 1907 वाली गजेटर में बिलावल शाह नूरानी जो जिक्र मिले तो। पा 1495 ईस्वी में सिंध का सफर कर इन माग से आयो ए गोकल नाले देव के बाग में क्याम पजीर थिया। 1770 ईस्वी में लिखल तहफतुल इकराम जो मुसनफ मीर अली शेर खान ठटवी लिखे तो तब शाह बिलावल नूरानी पैं इलाके जहाँ महजूब शख्स हुआ। उन जुनून के पेश नज़र इलाके के मान में संदस पजीराई बदन लगी ए मानू वटस मुरादू खी अचन लगा। नेंग शरीफ के जीलानी खानदान वट रवायत है तो शाह बिलावल नूरानी जो तालुको नेंग शरीफ के जीलानी खानदान से है। जैदी बलोचिस्तान में संदन परडाडे पीर सैद कमाल शाह जीलानी ए शाह बिलावल नूरानी में पान में भार हुआ। शाह बिलावल नूरानी जैदी में सफर कर अवल सिंध के इलाके नेंग शरीफ में आया जिता सफर कर लाहौत वाले इलाके में रिहायश पजीर थ। नेंग के जिलानी खानदान जो दरगाह शाह बिलावल के गादी नशीन में भी हिस्सो है तो उन इलाके में संदन पीरी मुरीदी पिण है। सैद बिलावल शाह नूरानी अल महरूफ सैद बिलावल शाह या बाबा नूरानी की दरगाह बलोचिस्तान के जिले खजदार के तालके वढ में पब जबल के जाबलू सिलसिले की खूबसूरत वादी में नए के कप से एक ऊंची टकरी से वाक़ है जैके चौफेर जबल ए वणकार घेरियल है। ये मज़ार इमारत साजी जो आला मिसाल है। मज़ार डां रस्तो मोहब्बत फ़कीर की दरगाह का निकरे तो जो नए के किनारे से वे तो मज़ार वट नए पार्कन लाए पुल भी तामीर थियल है। रस्ते में एक टकरी से रहीम शाह नाले बुजुर्ग की मज़ार पिण अचे थी। इन वक्त सवारी लाए केकड़ा भी मिलन था मानू प्यादल भी वन था तो के पंज सवार में भी मज़ार तई पहुँचन था। नए में कुदरती चश्मन जो पानी दायमी वह रहन है जै कर नए अंदर बन मेवन के वणन की भेट में खजी के वणन की घणाई है। मज़ार से गड मस्जिद ए कब्रस्तान पिण है। शाह नूरानी वेझो माई जो गोठ नाले बस्ती है जिता रोजानो वही तैदाद में मानू अचन था ए हाजुरी भरीन था। उ भी शाह नूरानी ते जियारतन की पीह होंदी है। तो उम्मीद है वीडियो अवा सजन के जरूर पसंद आयो हों। अगर अवा चाहो था तो लाहौत ला मकान से एक तारीखी वीडियो ठाकूँ तो उन कमेंट कर वीडियो के जरूर लाइक करें दोस्तों से भी जरूर शेयर कर। मिलदी अड़े दिलचस्प हिस्ट्रिकल वीडियो में तेस तई असा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।